गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन जीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम हमारा सेकेंड यूनिट टेस्ट जो आ रहे हैं हमारे, उनका रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो रिवीजन आपको करना है। पहले तो आपको थोड़ा सा हार्ड पड़ता था, अब तो आपको बहुत इजी पेपर आने वाला है। कैसे? पहले आपको राइट करना पड़ता था, अब आपको राइट नहीं करना, अब आपको क्या करना है, ओनली क्लिक करना है। आपको मोबाइल में क्लिक करना है, आपके क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपका जो ऑप्शन सही होगा ना, उस पर आपको राइट का मार्क लगाना है। तो चलो मैं बताती हूँ कैसे क्वेश्चन आएंगे। आपको ये वीडियो को अच्छे से देखना है, ये रिवीजन वीडियो है और आपको इसमें से देख के रिवीजन करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्न नंबर एक, कौन आया। अब आपको पता लग जाएगा कि कैसे आएंगे क्वेश्चन, कौन आया। अब आपके ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे, ए चौकीदार, चौकीदार बै, पापा से, डाकिया दे, भैया। कौन आया? चौकीदार आया, पापा आए, या डाकिया आया, या भैया आया? कौन आया? डाकिया आया। जैसे आपका ये डाकिया सही है ना, तो इसके आगे आपको राइट का मार्क लगाना है। आपको मोबाइल में क्लिक करना है, ठीक है। जैसे सह राइट है तो सह पर आपको क्लिक करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आता है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, तो देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन कौन सा है हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा, सेकेंड क्वेश्चन है, डाकिया किस पर आया। डाकिया किस पर आया? अब डाकिया किस पर आया, देखो, बस पर आया, साइकिल पर आया, कार पर आया, या ट्रेन पर आया। किस पर आया डाकिया? किस पर आया? बस पर, साइकिल पर, कार पर, या ट्रेन पर? साइकिल पर आया ना, तो बे ऑप्शन हमारा राइट है ना, तो इसके आगे हम राइट का मार्क लगा देंगे। ठीक है, आपका बे ऑप्शन राइट है, तो आपको बे पे क्लिक कर देना है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर टू। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री, तो क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारा, इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे, बहुत ईजी है, बहुत ईजी पड़ेगा आपको करने में, आपको राइट करने की ज़रूरत ही नहीं, ओनली क्लिक करना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री है, चिड़िया क्या लाई, चिड़िया क्या लाई। देखो क्या लाई चिड़िया, चिड़िया खाना लाई, चिड़िया पानी लाई, चिड़िया बच्चे लाई, या चिड़िया दाना लाई, तिनका। चिड़िया तिनका लाई, क्या लाई चिड़िया? देखो, खाना लाई, पानी लाई, बच्चे लाई, या तिनका लाई। देखो चिड़िया, चिड़िया क्या लाई, चिड़िया क्या लाई। देखो खाना, खाना पानी, पानी बच्चे, बच्चे तीने का, तिनका। क्या लाई चिड़िया? चिड़िया तिनका लाई। तो हमारा ऑप्शन दे है, ये राइट है, तो इसके आगे हम राइट का मार्क लगा देंगे। ये क्वेश्चन हमारा थ्री कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर हमारा है, देखो प्रश्न नंबर चार, क्वेश्चन नंबर फोर, उस पैरे पर नरम नरम बिछाई, बिछाई उस पर नरम बिछाई, क्या बिछाई नरम, क्या बिछाई नरम? चादर, घास, मिट्टी,
या रेत। क्या बिछाई? उस पर नरम बिछाई। क्या बिछाई? चादर, घास, मिट्टी, रेत। क्या बिछाई? उस पर नरम घास बिछाई। तो हमारा बे ऑप्शन राइट है, तो बे पर हम राइट का मार्क लगा देंगे। ये बे हमारा कंप्लीट हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 है डाकिया, डाकिया क्या लाया? डाकिया क्या लाया? क्या लाया डाकिया? देखो, मिठाई लाया, कपड़े लाया, घास लाया या किताब लाया? क्या लाया डाकिया? डाकिया क्या लाया? डाकिया क्या लाया? मिठाई, मिठाई, कपड़े, कपड़े, घास है घास, किताब है किताब। डाकिया क्या लाया? मिठाई लाया, कपड़े लाया, घास लाया या किताब लाया? क्या लाया? सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा? पत्र। क्या आएगा यहाँ पे? पत्र। क्या लाया डाकिया? क्या लाया डाकिया? घास, मिठाई, कपड़े, घास या पत्र? क्या लाया डाकिया? पत्र लाया। तो ये हमारा ऑप्शन द राइट है, तो इसके आगे हम राइट का मार्क लगा देंगे। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये 5 वाला था, ठीक है। अब आता क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, पत्र पर पत्र, पत्र पेरे पर क्या लेगा लगा था? पत्र पर क्या लगा था? क्या लगा था पत्र पर? दाग, दाग है, दाग लगा हुआ था। रंग है, रंग, रंग लगा हुआ था। टिकट है, टिकट लगा हुआ था। या फूल है, फूल लगा हुआ था। पत्र पर क्या लगा था? दाग, रंग, टिकट या फूल? क्या लगा हुआ था? पत्र पर टिकट लगा हुआ था। तो ऑप्शन से हमारा राइट है, इसके आगे हम राइट का मार्क लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, सा प्लस ई प्लस ई की मात्रा के प्लस ले मिलकर क्या बनेगा? ये हमारे क्या दिए हुए हैं? शब्द दिए हुए हैं, ठीक है। तो वर्ण दिए हुए हैं, तो ये वर्ण से मिलकर ये क्या बनेगा? इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? देखो क्या बनेगा, साइकिल, साइकिल, साइकिला या साइकिल। अब देखो इसको मिला के क्या बनेगा, सा ई की ले। तो देखो ये सा तो है ही है, ई है, और ये ई की मात्रा देखो पहले किस में आ रही है? देखो ये इधर आ रही है, ये भी इधर आ रही है, ये भी इधर आ रही है, इसमें पहले आ रही है ना। तो ये देखो ये और के है इसमें और ले, तो हमारा ऑप्शन द राइट है, क्योंकि इससे मैच कौन सा हो रहा है? द। तो ये हमारा राइट है, इसके आगे हम राइट का मार्क लगा देंगे। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, के प्लस मै प्लस ले मिलकर क्या बनेगा? के प्लस मै प्लस ले मिलकर क्या बनेगा? कमल, कलम,
मकल, लमक, क्या बनेगा? देखो के प्लस मे प्लस ले मिलकर क्या बनेगा? के मे ले, क्या बनेगा ये? कमल। तो देखो कमल का राइट हो रहा है के मे ले, कमल हमारा फर्स्ट ऑप्शन पे मिल गया। तो ये ऑप्शन हमारा राइट है, इसके आगे हम राइट का मार्क लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर एट है हमारा, ये ए की मात्रा, ते प्लस ने प्लस के प्लस आ मिलकर क्या बनेगा? ये देखो मिलकर क्या बनेगा, तिनका, तनिका, तीन का, तीनिका, क्या बनेगा? तीने, ये देखो ई ते ने के आ, अब क्या बनेगा इनको मिला के क्या बनेगा? देखो ई की मात्रा, ते ने भी है, के भी है और आ की मात्रा भी है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया, तो ए हमारा राइट है। तो इसके आगे हमने राइट का मार्क लगा दिया। और चेक करेंगे तो देखो पहले ई की मात्रा होनी चाहिए, है कि इसमें ई की मात्रा नहीं है? इसमें ई की मात्रा पहले मतलब इधर आनी चाहिए, तो इधर नहीं है, तो ये हमारे ऑप्शन रॉन्ग है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ए प्लस जे प्लस गे प्लस रे मिलकर क्या बनेगा? क्या बनेगा इसको मिलकर? ए गे जे रे अक्षर, ए जे रे गे अजरग, ए जे गे रे अजगर, ए गे रे जे अगरज, अगरज, क्या बनेगा? देखो अब हमें सर्च करना है, ए है इसमें, जे जे नहीं है, तो ये तो बनेगा नहीं। दूसरा सर्च करो, ए है, जे भी है, पर गे नहीं है इसमें, पहले रे आ रहा है, तो ये नहीं बनेगा। अब आगे देखो, ए है इसमें, जे भी है, गे भी है और रे भी है। इट मीन्स 7 वाला राइट है, ये 7 वाला राइट है। तो इसके आगे हम राइट का मार्क लगा देंगे। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। किस पर चढ़कर डाकिया चला गया? किस पर चढ़कर डाकिया चला गया? देखो बस पर चढ़कर चला गया, कार पर चढ़कर चला गया, साइकिल पर चढ़कर चला गया या घोड़े पर चढ़कर चला गया? किस पर चढ़कर डाकिया चला गया? किस पर चढ़कर चला गया? बस पर चढ़कर, कार पर चढ़कर, साइकिल पर चढ़कर या घोड़े पर चढ़कर? तो हमारा आंसर राइट है, साइकिल पर चढ़कर। तो ये ऑप्शन से हमारा राइट है, इसके आगे हम राइट का मार्क लगा देंगे। ये 10 क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, आपको अच्छे से देखना है और रीड करना है, समझना है। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो यू कैन कॉल योर क्लास टीचर, आपके क्लास टीचर को आप कॉल कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।